हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूनिक वर्ल्ड क्रिएटर। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर के द्वारा पीटा जाता है, मतलब कि अगर कोई टीचर जो है वो अपने किसी स्टूडेंट को गलत इंटेंशन से पीट देता है, तो उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 23 कहता है कि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को गलत इंटेंशन से नहीं पीट सकता। ठीक है, अब गलत इंटेंशन से पीटने का मतलब ये है कि कोई टीचर किसी डंडे से या फिर किसी भी स्केल से अपने स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं मार सकता। ये एक इलीगल चीज है, ये एक ऑफेंस है। ठीक है, तो अगर कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को मारता है तो बच्चा जो है वो एक पुलिस कंप्लेन कर सकता है, या फिर सबसे पहले वो प्रिंसिपल ऑफिस जाके वहां पे रिटर्न में एक चीज बोल सकता है कि सर मुझे ऐसे मारा गया है। तो अगर वहां पे प्रिंसिपल उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को ले जाके पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर करा सकता है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 23 के तहत, और राइट टू एजुकेशन सेक्शन 17 के तहत। ठीक है, इसमें उस टीचर को 3 महीने तक की जेल हो सकती है। ठीक है, तो आगे से वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि बच्चे को कोई ऐसा हर्ट हो। ठीक है, तो 3 महीने तक की जो उसकी जेल रहेगी, उसको हमेशा याद रहेगी उस टीचर को। ऐसे नए कानून जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।